गुड इवनिंग वेरी ब्यूटीफुल पीपल अरुणाचल प्रदेश, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मिस्टर नाम तपक, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन यूथ एसोसिएशन। एंड माई लेफ्ट वन इज मिस्टर लोकम नामदू, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल एंटी करप्शन यूथ एसोसिएशन। और ये लोकम पितर एस एस फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये बालो साया को कन्वेनर, और वो पीछे में है रतम अकर्तम रिबा, और ये मिस ताई यजुम आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी, और तकम मेरी असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी। तो आज हम लोग यहाँ में प्रेस क्लब में आने का वजह यह है कि मेरा एक लोकम नमदू हम दोनों का एक पुराना केस था जो इलीगल अपॉइंट को लेकर, जो ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस पीडब्ल्यूडी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का डिपार्टमेंट में जो सिविल जेई का जो इलीगल अपॉइंट हुआ था, उसको आज यहाँ में कुछ न्यू अपडेट देने के लिए यहाँ आज आया है। तो आज हम लोग यहाँ में आने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये इशू को नमदू और हम दोनों ने ये ऑल अरुणाचल आरटीए एक्टिविस्ट एसोसिएशन के तरफ से हम दोनों ये इशू को पहले उठाया था, और काफ़ी ब्रीफिंग भी मार चुका है। तो अभी वो एसोसिएशन को हम लोग इसका एसोसिएशन का नाम से हम लोग अभी कंटिन्यूशन नहीं कर रहा है, क्यों बोलने पर वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो हम लोग को ये इशू को साथ नहीं दिया है, साथ नहीं देके उल्टा हम दोनों के ऊपर में बहुत कुछ ब्लेम कर रहा था, शायद आप लोग देखा होगा। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ में न्यू टीम ऑल अरुणाचल एंटी करप्शन यूथ एसोसिएशन टीम, हम लोग न्यू टीम ये इशू को हम लोग आज से हम लोग उसको पैद करने के लिए हम लोग यहाँ आज यहाँ आया है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये है कि आज न्यू अपडेट बताने के लिए ये, ताकि हम लोग के इशू को लेकर काफ़ी एसआईसी में विजिलेंस डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी जा चुका है। तो आज फिर से हम आप सभी को मैं एक न्यू अपडेट बताने के लिए आया है, क्यों बोलने पर हमको बहुत सारा पब्लिक लोग ट्रोल करता है कि ये इशू को हम बेच चुका है, ये इशू को हमको सेलिंग कर चुका है बोल के हमको काफ़ी पब्लिक लोग अननोन पर्सन से भी हमको कॉल करके भी बोलता है, टेक्स्ट करके भी बोलता है, कहीं कहीं जाने से भी हमको ट्रोल करता है, इसलिए हमको बहुत परेशान है। इसलिए आज ये पब्लिक का जितना भी कंफ्यूज है, कंफ्यूज को दूर करने के लिए आज मैं यहाँ आज हम लोग आया है। तो आज हम लोग का आने का मकसद ये है कि क्यों आया है, आप लोग क्यों बताने के लिए आया है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। तो लास्ट जो ब्रीफिंग में मैंने 18 दिसंबर 2023 में एसआईसी के ऑफिस में मैंने ब्रीफिंग मारा था, लास्ट ये में ब्रीफिंग जो ये केस को लेकर। तो आज कितना महीना हो गया, थ्री मंथ समथिंग हो गया। तो अभी तक जो ये केस को अभी तक जहाँ है उसमें ही रहा है, इसलिए हम लोग दुखद है। तो ये केस को काफ़ी हम लोग बागडोर किया, तो उसमें एसआईसी का उसमें केस को एसआईसी में केस को लेने के लिए कुछ वो अंदर वीक में ही उसको लिया गया था। तो दूसरा केस होने से अंदर ये 2-3 इयर्स में किसी किसी का एसआईसी में लेता है, तो मेरा यह केस को विद इन मंथ में लिया गया था, लेकिन अभी तक क्यों डिले है ये बोलने के लिए हम आया। डिले इन द सेंस कि पहले विद इन मंथ में मेरा केस को इतना फर्स्ट प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया उसको, तो अभी मेरा केस ऐसे रखा है टेबल में, उसको क्यों कंटिन्यूस नहीं कर रहा है। ये केस को कंटिन्यूस नहीं करने की वजह से इसलिए हमें दुखद है। तो उसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जो एसआईसी का इंस्पेक्टर जो कार्बम ताओ जो उसको टेकअप किया था, तो इसका टेकअप का करने के हिसाब से तो मेरा कहना था, मेरा लिखित में सीएम सर को कंप्लेन लिखित में ये लिखा था कि इलीगल अपॉइंट जो एसी कोऑर्डिनेशन में पीडब्ल्यू ईटानगर में 123 में लिखित में लिखा था, लेकिन यहाँ में आज पता चला है कि यहाँ में एसआईसी का रिपोर्ट एफआईआर का कॉपी मेरे पास में है। तो आज यहाँ में एसआईसी का रिपोर्ट का तरफ से एसआईसी का रिपोर्ट का द्वारा से आज हमको यहाँ में ये दिखने मिल रहा है कि यहाँ में नॉट ओनली 123 देयर आर
178 candidates have been appointed by the advertisement and 33 vacancy posts. उसमें दिया गया, यानी कि हम 55 का कुछ गलत बोला, हमको इनकम्प्लीट फर्निश किया गया, इसलिए यहाँ में बहुत सारा इलीगल अपॉइंट है। इसलिए आज हम यहाँ में कुछ नामे हैं जो काफ़ी ब्रीफिंग में मैंने कहा है कि इलीगल अपॉइंट का नाम को मैं पब्लिक के डोमेन में लाने के लिए मैं वादा किया था और कहा भी था, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, नाम गिनने जा रहा हूँ जो इलीगल अपॉइंट हुआ इसका नाम गिनने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पब्लिक लोग आप लोग ध्यान से सुनिए, ये इलीगल अपॉइंटमेंट वाला है। नंबर वन जो है सोरंग तकप सोन ऑफ श्री सोरंग ताजिक, डेट ऑफ अपॉइंट 1/3/2017 में उसको अपॉइंट किया गया है। कौन किया है बोले से ER रोहतू तिची, बाय देन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर SC कोऑर्डिनेशन PWD ईटानगर का। इसका सेकेंड नंबर में अपॉइंट किया है ताजुम मक्चा सोन ऑफ श्री तिकिर मक्चा, डेट ऑफ अपॉइंट 7/9/2017। फिर इसके बाद में मापी पादू, डॉक्टर ऑफ श्री तुमी पादू, डेट ऑफ अपॉइंट 6/12/2017। इसके बाद में गोलो चाक सोन ऑफ श्री गोलो तादो, डेट ऑफ अपॉइंट 15/11/2017। इसके बाद में दोबा पादू सोन ऑफ श्री बिंदो पादू, डेट ऑफ अपॉइंट 21/11/2016। श्री तिची लोमा सोन ऑफ श्री तिची पासो, डेट ऑफ अपॉइंट 3/4/2017। मिस यापी गारा डॉक्टर ऑफ श्री तायू गारा, डेट ऑफ अपॉइंट 21/11/2016। मिस रिबम बासर डॉक्टर ऑफ श्री गोरिक बासर, डेट ऑफ अपॉइंट 17/5/2018। श्री हिबू तादा सोन ऑफ श्री हिबू उमा, डेट ऑफ अपॉइंट 21/11/2016। मिस चूकू अनु डॉक्टर ऑफ श्री चूकू यांगा, डेट ऑफ अपॉइंट 21/11/2016। श्री बाद पोल सोन ऑफ श्री बाद दोपुम, डेट ऑफ अपॉइंट 21/11/2016। उसको अपॉइंट किया गया, उसको कौन अपॉइंट किया बोलने से इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है मिस्टर ER दादेन सप्लिन इंजीनियर ER रोहतू तिची, ER रोहतू तिची सप्लिन इंजीनियर कैपिटल सर्कल कम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस PWD ईटानगर, ये इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो आज हम लोग का यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोग न्यू अपडेट बताने के पब्लिक को बताने के लिए आया है और FR कॉपी यहाँ में है। पब्लिक लम को ट्रोल नहीं करना है अभी से, आप लोग भरोसा नहीं होने से मेरा FR मेरे पास में आकर ले जाइए और कोर्ट में आप चेक कर सकता है मैं ये केस को बिका ही नहीं बिका है। पब्लिक को मैं यही आप लोग चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि और SIC डिपार्टमेंट SP DSP और इंस्पेक्टर तेलिंग हाबुंग सर, आपको मैं रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये केस को आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जल्द से जल्द जितना भी इलीगल अपॉइंट हुआ उसको आप स्टेटमेंट लेके जल्द से जल्द आप चार्जशीट भेज दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज यहाँ आया। थैंक यू वेरी मच।